तेजस्विनी में आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। वो हौसलों की मिसाल है, उसकी हिम्मत लाजवाब है। जब ठान लेती है कोई लक्ष्य तो करती है हर बाधा पार और बन जाती है उदाहरण बेमिसाल। आज की हमारी तेजस्विनी एक ऐसी ही महिला है जिन्होंने पेश किया है एक अनुपम उदाहरण देश नहीं दुनिया के सामने। आप सेना में मेजर हैं, हालांकि सेना में शामिल होने के लिए आपको काफी जद्दोजहद भी करनी पड़ी, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी। आप सेना में शामिल भी हुई और देश को गौरवान्वित भी किया। देश का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया जब आपको यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर इक्वालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड से पुरस्कृत किया गया। एक ऐसा पुरस्कार जो संयुक्त राष्ट्र ने आपको यौन हिंसा विरोधी अभियान के लिए दिया है। हमारी आज की तेजस्विनी है मेजर सुमन गवानी। जिंदगी में हर अनुभव को अगर इम्तिहान की तरह लेते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ दिया जाए तो सफलता हासिल होते देर नहीं लगती। मेजर सुमन गवानी बचपन से ही यूनिफॉर्म पहनने का सपना देखती थी। चार बार परीक्षा दी और आखिरकार उनका सेना में चयन हो गया। 2018 में मेजर गवानी को संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन पर दक्षिण सूडान भेजा गया, जहाँ महिलाओं की समस्याओं को देखते हुए उन्हें यौन हिंसा अपराधों के प्रति जागरूक करने का उन्होंने बीड़ा उठाया और इसके लिए बाकायदा अरबी भाषा भी सीखी। केन्या में विशेष ट्रेनिंग ली। यही नहीं, महिलाओं की मुश्किलों को आसान करने के लिए मिलिट्री ऑब्जर्वर्स को ट्रेनिंग दी और शांति मिशनों में लैंगिक समानुपात पर जोर दिया। इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि जहां दक्षिण सूडान सरकार ने यौन अपराधों के खिलाफ एक रोड मैप तैयार किया, तो वहीं संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में महिला ऑब्जर्वर्स की तादाद भी कई गुना बढ़ गई है। यौन हिंसा विरोधी अभियान में उनके अहम योगदान को देखते हुए ही उन्हें यूनाइटेड नेशन जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस सम्मान के जरिए विश्व में देश का गौरव बढ़ाने वाली मेजर सुमन गवानी ही हैं हमारी आज की तेजस्विनी। मेजर सुमन गवानी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम तेजस्विनी में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुमन जी, ये बताइए हमें कि आपको संयुक्त राष्ट्र का ये पुरस्कार मिला। सबसे पहले आपको ढेरों बधाई इस पुरस्कार के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो पुरस्कार आपको मिला है, इसके पीछे किस हिम्मत, किस हौसले, किस भावना को महत्वपूर्ण मानती हैं आप? ममता जी, मैं कहूंगी कि जब भी किसी महिला को या किसी लड़की को कुछ पुरस्कार मिलता है या वो अपने जीवन में कुछ अचीव करती है, तो उसके पीछे जो हिम्मत होती है वो उसकी कम और उसके परिवार की बहुत ज्यादा होती है, मुझे लगता है ऐसा। मुझे लगता है कि मेरे इस पुरस्कार के पीछे मेरे माता पिता की हिम्मत, उनकी भावना वो बहुत ज्यादा है। और अगर मैं मेरे पर्सनल उससे कहूँ तो हाँ, ये पुरस्कार के पीछे मेरी खुद की हिम्मत भी है, क्योंकि मैं इतने सालों से डटी हुई हूँ, अलग अलग जगह पर पोस्टिंग काटी है मैंने, और फिर फाइनली जब साउथ सूडान गई तो वहां पर मुझे लगा कि मुझे यहाँ के लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, तो मैंने कुछ किया। वो भी एक तरीके की हिम्मत थी, क्योंकि अलग अलग जगहों पर जाना और अलग अलग लोगों से मिलना वहाँ पे। तो आप मानती हैं कि जो आपकी हिम्मत है, जो हौसला आपने दिखाया, जो आप डटी रही, जो आपने हार नहीं मानी किसी भी हालात में, वही वजह है कि आज यूएन ने आपको सम्मान दिया है, और इस सम्मान से जाहिर है देश का सर भी गर्व से ऊंचा किया है आपने। मेजर गवानी, ये बताइए कि आप यूनाइटेड नेशन से संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन में शांति दूत बनकर आप दक्षिण सूडान में आपकी तैनाती हुई, क्या रोल था आपका, क्या काम था आपका जिसके लिए आपको ये पुरस्कार है? ममता जी, मैं एक मिलिट्री ऑब्जर्वर के तहत साउथ सूडान में गई थी। साउथ सूडान में एज अ मिलिट्री ऑब्जर्वर होना मतलब जो मिलिट्री ऑब्जर्वर होते हैं उनके पास हथियार नहीं होते हैं, वो बिना हथियारों के शांति दूत होते हैं। हमारा मेन काम जो होता है वो होता है पेट्रोलिंग, ऑब्जर्वेशन, इन्वेस्टिगेशन, रिपोर्टिंग,
ये काम हमारे मेन होते हैं, ये सब काम करते हैं। मेन काम होता है गांव में जाकर या बहुत दूर दराज के क्षेत्रों में जाकर पेट्रोलिंग करना और वहां से जो भी इंफॉर्मेशन हो सकती है वो लाना और हमारे फोर्स हेडक्वार्टर्स तक पहुंचाना, क्योंकि फोर्स हेडक्वार्टर का हर एक विभाग वहां तक नहीं पहुंच सकता है। तो ये काम मिलिट्री ऑब्जर्वर्स करते हैं फोर्स हेडक्वार्टर के बिहाफ पे जगह जगह जाकर के। दूसरा काम जो मेरा था, मैं एज अ ट्रेनिंग ऑफिसर भी थी मिलिट्री ऑब्जर्वर्स की, तो मेरा दूसरा काम था मिलिट्री ऑब्जर्वर्स को ट्रेन करना और उनको बताना कि वो अपने काम को किस तरह से पूरा कर सकते हैं इन सब पेट्रोलिंग ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग में। और बाकी मैं एक खुद एक महिला शांति दूत होने के नाते मेरा एक और काम था कि मैं सारे जो मिलिट्री ऑब्जर्वर्स थे उनके लिए एक जेंडर फोकल पॉइंट थी वहां पर साउथ सुडान में। ये एक महत्वपूर्ण काम था। संयुक्त राष्ट्र ने जो पुरस्कार दिया उसमें ये डिटेल दी गई है कि यौन अपराध के खिलाफ जो एक अभियान था, यौन हिंसा विरोधी जो अभियान था, आपने उसमें जो अहम योगदान दिया उसके लिए आपको ये पुरस्कार भी दिया गया है। दक्षिण सुडान में जब आप गई तो जाहिर है कि एक नई जगह, नई चुनौतियां और नए तरह का काम, क्या चैलेंजेस थे आपके सामने? चैलेंजिंग ममता जी, सबसे पहला चैलेंज तो मुझे लगता था कि भाषा का चैलेंज था, क्योंकि जिन लोगों से हम मिलते थे उनकी भाषा बहुत अलग अलग थी। बहुत ही कम लोग इंग्लिश बोल पाते थे, बाकी सब लोग उनकी जो नेटिव लैंग्वेज है अरबिक वो बोलते हैं। सो पहली चीज़ जब हम और आप आपस में बातें करते हैं तो एक दूसरे को समझने के लिए भाषा बहुत ज़रूरी होती है, तो सबसे पहली चुनौती तो थी भाषा की। दूसरी चुनौती थी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में जो हमें तकलीफें उठानी पड़ती थी, क्योंकि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं है वहां पर। तो आपको अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है, एक गांव से दूसरी जगह जाना है, तो आपको उस वहां की गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है कहीं पर भी जाने के लिए। सो ये दूसरी चुनौती थी। तीसरी चुनौती मैं कहूँगी कि वहां पे आवागमन के साधन या आवागमन के जो सड़कें हैं वो नहीं है, बहुत कम सड़कें हैं, तो उबड़ खाबड़ रास्तों पे से गाड़ियों में कभी, या फिर अगर जहां गाड़ी नहीं जाती तो वहां पर पैदल भी हम लोग गए हैं पेट्रोलिंग करने के लिए, या फिर हेलीकॉप्टर से भी हम लोग पेट्रोलिंग करने के लिए जाते थे। तो यही चुनौतियां थी वहां पर जो भी मेरे सामने आई। तो आप मिलिट्री ऑब्जर्वर के तौर पर वहां गई तो कैसे था आपका समूह, कैसा था, किन लोगों के साथ आप रहती थी, कैसे आप लोगों का काम होता था और कैसे ये संभव हुआ कि दक्षिण सुडान की स्थानीय महिलाएं अपनी मुश्किलें आपसे साझा कर पाई, ये कैसे हुआ? मेरी टीम में 10 मेंबर्स थे। एक रेनबो कॉन्सेप्ट होता है यूनाइटेड नेशंस का, तो उस रेनबो कॉन्सेप्ट के तहत ये लोग कोशिश करते हैं कि एक टीम में ज्यादा से ज्यादा पृष्ठभूमि के लोग हों, ज्यादा से ज्यादा कल्चर के लोग हों। तो मेरी टीम में 10 लोग थे। मेरे जो बॉस थे वो ऑस्ट्रेलिया के थे और चाइना से लोग थे मेरी टीम में, कनाडा से लोग थे, स्वीडन से लोग थे। मैं अकेली भारतीय थी मेरी टीम में और अकेली महिला थी मेरी टीम में जी। तो जो हमारा काम होता था वो हमें पहले एक हफ्ते पहले पता चल जाता था कि अगले हफ्ते में हमें इन इन क्षेत्रों में पेट्रोलिंग करने के लिए जाना है और ये इंफॉर्मेशन लेकर के आनी है मिशन हेडक्वार्टर्स के लिए। तो उस हिसाब से हम अपनी टीम में डिस्ट्रीब्यूट करते थे कि इस दिन कौन पेट्रोलिंग पे जाएगा और पीछे कौन रहेगा, क्योंकि जो पेट्रोलिंग जाते हैं उससे पीछे भी हमें बहुत काम करने पड़ते हैं, रिपोर्ट्स बनानी पड़ती हैं, जो हमारे वाहन है उनका रखरखाव करना पड़ता है, रेडियो इक्विपमेंट्स की देखभाल करनी पड़ती है। तो ये हम अब पूरा प्लान बनाते थे अगले हफ्ते का। जो जिसको पेट्रोलिंग पे जाना होता था वो उन गाँवों में जाता था, पेट्रोलिंग करते थे और बहुत अच्छा एक तालमेल हो गया था सारे टीम मेंबर्स का वहां पर एक साथ रहते रहते पेट्रोलिंग पे जाने और काम करने के दौरान। अगर मैं कहूँ कि वहाँ की महिलाओं के साथ मेरा कैसे इतना अच्छा संबंध हुआ और कैसे वो लोगों के को मेरे ऊपर इतना विश्वास आया कि वो अपनी बातें मुझसे साझा कर सके, तो मैं कहूँगी कि एक तो सबसे प्लस पॉइंट था मेरा खुद एक महिला होना, आपसी विश्वास के लिए मेरा खुद एक महिला होना एक सबसे सबसे प्लस पॉइंट था वहां पर। दूसरा प्लस पॉइंट मैं कहूंगी कि मैंने अफ्रीका में देखा कि भारतीयों के प्रति उनके मन में बहुत प्रेम है, बहुत प्यार है उनके मन में भारतीयों के प्रति जी। तो वो भी एक प्लस पॉइंट था कि जब भी वो मेरे यूनिफॉर्म पे इंडिया का फ्लैग देखते थे तो उन्हें बड़ी खुशी होती थी मुझसे आकर बात करने में कि हाँ कोई इंडिया से आया तो हम उनसे बात करें, उन्हें बताएं।
तीसरा मैं कहूंगी कि जब मैं पहले पहले शुरुआत में कहीं कहीं पेट्रोलिंग पे गई थी तो मुझे एक चीज समझ आ गई कि ये जो भाषा का है अवरोध है, इसको हटाना है किसी तरह। तो वो भाषा का अवरोध हटाने के लिए मैंने ऑनलाइन अरबिक लैंग्वेज कोर्स में अपने आप को एनरोल किया और मैंने कोशिश की कि मैं उनकी भाषा थोड़ी बहुत सीख सकूं, अगर ज़्यादा नहीं तो कम से कम शुरुआत का मैं उनके साथ बातचीत कर सकूं, जिनसे वो एक बैरियर ब्रेक हो जाए लैंग्वेज का। तो इसने बहुत मदद की मेरी कि जब एक लैंग्वेज बैरियर ब्रेक हो गया, उनसे शुरुआती बात मैंने उनकी भाषा में कर ली, तो उनको मेरे ऊपर और विश्वास आया कि और हाँ। आपके बाद ट्रेनिंग भी होती होगी कि आप कैसे वहां की स्थानीय संस्कृति को समझ पाए, वहां के लोगों के बीच में किस तरीके की चीजें उन्हें पसंद है, क्या कुछ नियम है जिनको आपको फॉलो करना चाहिए ताकि वो लोग बुरा ना माने, तो इस तरीके की कोई ट्रेनिंग भी दी जाती होगी? जी बिल्कुल। मिशन में जब हम जाते हैं तो मिशन का शुरुआती जो एक हफ्ता होता है उसमें हम लोगों को, सारे जितने भी लोग मिशन में गए हैं उन सबको इस तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है कि जब आप यहाँ मिशन में आए हैं, अलग कल्चर है, अलग एनवायरनमेंट है और अलग बोली अलग भाषा है, तो आपको इन लोगों के साथ किस तरह पेश आना है, इन लोगों को किस तरीके से हमें सेंसिटाइज किया जाता है कि इन लोगों से कैसे बात करनी है, कैसे नहीं करनी, उनकी संस्कृति के बारे में, उनकी बोली उनकी भाषा के बारे में हमें शुरुआती एक हफ्ते में सिखाया जाता है, और हमारे काम के बारे में। उससे पहले मिशन में जाने से पहले भी इंडिया में भी हमें ट्रेनिंग दी जाती है, लगभग 14 दिन की ट्रेनिंग होती है हमारी पीस कीपिंग सेंटर में, जहाँ पे हमें बताया जाता है कि जिस देश में आप जा रहे हैं वहाँ पर कैसा होने वाला है, वहाँ के लोग कैसे होंगे, संस्कृति कैसी होगी, भाषा कैसी होगी। किस तरीके के यौन हिंसा के मामले आप वहां देखती थी, किस तरह यौन हिंसा के प्रति महिलाओं को आपने वहां पे जागरूक किया, क्या आपने उनको उनके अधिकारों के बारे में बताया, किस तरीके की राहत उन्हें मिल सकती है, क्या उन तक ये जानकारी पहुंचाई, कैसे काम किया? जब मिशन में हमारे मिशन हेडक्वार्टर्स ने सोचा कि वहाँ की गवर्नमेंट के पास कोई रोड मैप नहीं था इस तरह की यौन हिंसा, यौन अपराध के विरुद्ध काम करने के लिए कोई, और कोई ठोस कानून भी नहीं थे, और इससे ठोस कानून तो नहीं थे और महिलाएं खुद खुद जागरूक नहीं थी कि अगर उनके साथ ऐसा कुछ हो जाता है तो उन्हें किसको अप्रोच करना चाहिए, कौन से कानून है जो उनकी मदद कर सकते हैं। तो हम लोगों ने, हमारी जो टीम होती है मिशन की, वुमेन प्रोटेक्शन एडवाइजर्स, जेंडर अफेयर यूनिट्स और उनके साथ मैं इसलिए क्योंकि मुझे ट्रेन किया गया था केन्या में कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड सेक्सुअल वायलेंस के खिलाफ काम करने के लिए, तो मैं भी उस टीम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। हम जगह जगह जाते थे, सेमिनार्स आयोजित करते थे, महिलाओं की अलग सेमिनार आयोजित करते थे। उसके बाद हमने वहाँ के सैनिकों, क्योंकि वो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं, सैनिक और पुलिस वाले वहाँ के, तो उनके सैनिकों की, उनके पुलिस वालों की भी हमने बहुत सारी जागरूकता क्लासेस चलाई, बहुत सारे सेमिनार्स चलाए जिनमें उन्हें पता चले कि क्या यौन अपराध होते हैं, और उनको जब ऐसा कोई अपराध, यौन अपराध की रिपोर्ट लेकर उनके पास आए तो उन्हें उसको किस तरह से डील करना है, कैसे उस महिला को सांत्वना देनी है या उसके साथ किस तरीके का व्यवहार करना है, वो हमने वहाँ के सोल्जर्स और पुलिस को भी बताया, महिलाओं को भी बताया। और इस तरह से साउथ सूडान ने, मतलब ये बहुत ही खुशी की बात है हमारे पूरे मिशन के लिए, बहुत खुशी की बात थी कि ये सब इतने सारे ठोस कदम उठाने के बाद वहाँ की सरकार ने, वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक रोड मैप खुद का तैयार किया, तो ये हमारी पूरी टीम के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात थी। और मैं कहूँगी कि वहाँ की महिलाओं के लिए भी एक ये बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा है कि गवर्नमेंट ने खुद आगे बढ़कर एक रोड मैप तैयार किया है। लेकिन मेजर धवानी, अपने देश को छोड़कर नए देश में जाना, दुर्गम क्षेत्रों में जाना, दूर दराज के इलाकों में जाना, पुरुषों के बीच अकेली महिला होना, नए लोग, नए हालात, कभी डर नहीं लगा आपको? अगर मैं कहूँ डर बिल्कुल नहीं लगा तो अतिशयोक्ति होगी, थोड़ा बहुत लगा था जाने से पहले कि पता नहीं कैसा माहौल होगा, क्या क्या लोग होंगे, किस तरीके से काम करना पड़ेगा और कितनी दूर जाना पड़ेगा, तो थोड़ा बहुत शंकाएं थी मन में, डर तो नहीं पर शंकाएं थी मन में। डर शायद इसलिए नहीं था क्योंकि वहां जाने से पहले भी मैं यहाँ पर भी बहुत ऐसी जगहों पर थी जहाँ पे फील्ड कंडीशंस थी, तो शायद डर इसलिए नहीं था, शंका थी, पर वो शंकाएं भी वहां पहुंच के धीरे धीरे दूर होती गई और फिर मैंने अपने आप को अपने काम में लगा लिया। आप उत्तराखंड से हैं और आपके परिवार के बारे में जानना चाहते हैं, आपका बचपन कैसा था,
क्या बचपन से ही आपने सोचा हुआ था कि मेरे को तो सेना में ही जाना है? उत्तरकाशी के पास चाइना का बॉर्डर है, तिब्बत, वो वहाँ पर बहुत सारे फौजी आते जाते रहते हैं। तो बचपन में जब हम स्कूल जाते थे, स्कूल से आते थे, तो फौजी ट्रकों में बहुत सारे फौजी जा रहे होते थे, तो बच्चे जो है फौजी को बाय करते हैं, मतलब हाथ मिलाते हैं, तो वो भी उनका भी हमारे तरफ ऐसा ही बहुत अच्छे से, उन्हें बच्चों को देखकर बहुत ही हमें रोमांचक लगता था कि अच्छा जा रहे हैं, इनके पास हथियार है, वर्दी पहनी हुई है, तो उसको देखकर बहुत अच्छा लगता था। और दूसरी बात, उत्तराखंड में लगभग हर घर से एक फौजी है, तो वो देख के भी मन में आया कि ठीक है मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए। फिर मेरे पिताजी ने भी मुझे काफी प्रेरित किया कि ठीक है जो आप सोचती हैं वो आप कीजिए। उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया कि आपको करना चाहिए जो आपने मन में ठान लिया है। तो ये आपको यूनिफॉर्म पहनने का एक सपना था, आपने उसको पूरा कर दिखाया। लेकिन विजय गवानी, आपके लिए आसान तो नहीं रहा होगा, क्योंकि आपको भी 4 अटेम्प्ट्स में जाकर सिलेक्शन हुआ आपका फाइनल। जी बिल्कुल आसान नहीं था। मैं कहूंगी मुझसे ज्यादा मुश्किल तो मेरे माता पिता के लिए था, क्योंकि मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी थी और मैं अटेम्प्ट्स बार बार किए जा रही थी, पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ, तो रिश्तेदार माता पिता को कहते कि नहीं आप इस बेटी के ऊपर इतना क्यों वो कर रहे हैं, इसकी शादी करा दीजिए, क्या करेगी फौज में जाकर। तो वो माता पिता के लिए मुझे लगता है ज्यादा चुनौतीपूर्ण था, मेरे ऊपर तो उनका सहारा था, मुझे उनका था कि उनका पूरा सपोर्ट था कि नहीं तुमको करो जो करना है, जो मन में है वो करो। मतलब आपको कभी हताशा नहीं हुई क्योंकि एक अटेम्प्ट में नहीं हुआ, दूसरे अटेम्प्ट में नहीं हुआ, तीसरे में नहीं हुआ, चौथे अटेम्प्ट तक जाने के लिए भी मनोबल बनाए रखना बहुत जरूरी था, किसने बनाया आपका मनोबल? मेरा मनोबल मेरे पिताजी ने। पहली बार जब मैं इंटरव्यू देने गई थी, मेरा पहला इंटरव्यू भोपाल में था, तो मेरे फादर मेरे साथ गए थे। जो SSB इंटरव्यू होता है वो 5 दिन चलता है, तो पांचों दिन जबकि मैं तो कैंट के अंदर थी, इंटरव्यू अपना दे रही थी और सारे टेस्ट दे रही थी, पर मेरे फादर बाहर एक होटल में रुके हुए थे पूरे 5 दिन। सिर्फ शाम को मुझसे थोड़ी देर के लिए मिलने आते थे कि क्या चल रहा है, कैसे है, और मैं अपने टेस्ट के बारे में उनको बताती थी, फिर हम शाम की चाय एक साथ पीते थे और फिर मेरे पापा वापस होटल चले जाते थे और मैं वापस कैंट में रुक जाती थी। तो पहली बार वो मेरे साथ आए थे, पर उसके बाद मैंने कहा नहीं अब आप नहीं जाएंगे, अब ये मेरा अकेले का है, मैं ही जाऊंगी। पर हाँ उनका सपोर्ट पूरा रहा, उन्होंने कभी मुझे हताश नहीं होने दिया, कभी निराश नहीं होने दिया। आपकी पहली तैनाती कहाँ हुई जब आपकी ट्रेनिंग खत्म हो गई, उसके बाद पहली तैनाती कहाँ थी? मेरी ट्रेनिंग खत्म हुई थी सितंबर 2011 में, और उसके बाद मेरी पहली तैनाती हुई असम में, तो वो भी एक काउंटर इंसर्जेंसी एरिया है, वहां पर मेरी पहली तैनाती हुई थी। तो पहली ही बार में आपको ऐसी पोस्टिंग मिल जाना चैलेंजिंग था क्या आपके, क्योंकि आपकी बैकग्राउंड आर्मी की नहीं थी, तो जाहिर है कि ट्रेनिंग के बावजूद भी एडजस्ट करना, रियल लाइफ सिचुएशन में जाकर उस सिचुएशन को डील करना एक अलग बात है। हाँ जी बिल्कुल, ट्रेनिंग में तो हमें पता है कि कल क्या होने वाला है, और हम लोग बहुत सारे एक साथ होते हैं, तो सब एक साथ ट्रेन करते हैं, सब एक साथ PT जाते हैं, सब एक साथ ड्रिल करते हैं। पर जब बारी आई पोस्टिंग की, ट्रेनिंग खत्म हो गई और अब पता चला कि अब मुझे असम जाना है और अकेले ही जाना है, मेरे कोई भी ट्रेनिंग वाले दोस्त मेरे साथ नहीं होने वाले हैं, तो बहुत सारी शंकाएं थी मन में। लेकिन जब मैं वहां पहुंची तो बहुत ही, मैं कहूंगी बहुत सपोर्टिव एनवायरनमेंट था मेरी पहली यूनिट का, जो मेरे सीनियर्स थे उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रूम किया, मुझे बताया कि कैसे काम होता है, कैसे यहाँ पर करना है। तो वहां पहुंचने के बाद कुछ भी मतलब चैलेंजेस तो नहीं आए, बल्कि मैंने बहुत कुछ सीखा वहां पर रह के, बहुत सपोर्टिव एनवायरनमेंट में मेरी पहली पोस्टिंग हुई। आपने जिस वक्त सिलेक्शन के लिए तैयारी करनी थी, आप उस वक्त आपने BEd भी किया, उस वक्त आपने अपनी डिग्रीज भी ली, आपने MSc भी कर डाली, जब आप इस लाइन में आई हैं, जब सेना में भर्ती हुई, तो आपको अपनी उस पढ़ाई का कोई फायदा हुआ? जी बिल्कुल, बहुत फायदा हुआ मुझे उस पढ़ाई का, क्योंकि मुझे लगता है जब मेरी दूसरी पोस्टिंग हुई रजौरी में, तो वहाँ पे ऑपरेशन सद्भावना हमारी फौज भारतीय इंडियन आर्मी करती है, तो उस ऑपरेशन सद्भावना के तहत हम बच्चों को जम्मू एंड कश्मीर से बाहर का एक्सपोजर दिलाते हैं, उन्हें बताते हैं कि उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो मैंने BEd किया हुआ था,
तो मुझे थोड़ा बहुत बच्चों की साइकोलॉजी पता थी कि इनसे किस तरीके से डील करना है, तो वहाँ पे जाकर बहुत काम आया। मतलब मुझे लगा कि ये बहुत ज़्यादा काम आया मेरे, क्योंकि मैं स्कूल्स में, जो वैली में आर्मी गुडविल स्कूल्स चलते हैं जहाँ पर बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो वहाँ पर एक आर्मी ऑफिसर को उनसे डील करना पड़ता है। तो वो आर्मी गुडविल स्कूल्स में भी मैं जाया करती थी, उनके लिए भी हम वर्कशॉप सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करवाते थे, और कॉलेज के बच्चों से भी मैं मिला करती थी। ऑपरेशन सद्भावना के तहत मैं पहली बार बच्चों को लेकर गई थी मुंबई, एक बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी है राजौरी में, वहाँ के बच्चे थे जिनको लेकर हम मुंबई गए थे, हमारी यूनिट। वहाँ पर हमने उन्हें बहुत सारे रिलायंस जियो में उनके हेडक्वार्टर्स में लेकर गए, और ये बच्चे, क्योंकि मैं सिग्नल्स से हूँ, तो हमने बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया था टूर पे लेकर जाने के लिए। तो वहाँ हम इनको रिलायंस जियो के डेटा सेंटर में लेकर गए, उन्हें दिखाया कि जो आप किताबों में पढ़ते हैं वो असल में ऐसा होता है, उसका उपयोग इस तरह से होता है। वहाँ पर हमने उन्हें उनके जो सीईओज हैं, एचआर मैनेजर्स हैं, उनसे मिलवाया, उन्हें बताया कि उन्हें आगे करियर में किस तरह से काम करना चाहिए। तो उसके बाद जो दूसरी बार हम उन्हें चंडीगढ़ लेकर गए दूसरे बच्चों को, वहां पर हमने उन्हें बताया कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट किस तरह कर सकते हैं, डेयरी फार्मिंग में कर सकते हैं या फार्मिंग में कर सकते हैं आप। वहां पर हमने उन्हें अलग अलग फैक्ट्रीज दिखाई, जिससे कि उन्हें पता लगे कि पढ़ाई करने के बाद उनके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, वो किस किस चीज के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो बेसिकली ये करियर काउंसलिंग तरह के का सेशन भी हो गया और एक्सपोजर भी मिल गया बच्चों को। और मैं कहूंगी कि वहाँ के जो युवा हैं वो बहुत बहुत ज्यादा रिसेप्टिव हैं, उनके मन में अपने भविष्य के लिए बहुत आशाएं हैं, वो भी कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं। तो रिसेप्टिव, बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है उनका। जी, मुझे कहानी एक बार फिर अगर मैं क्वेश्चन सुनान दी है आपके अनुभवों का भी करना चाहूँ, क्योंकि मुझे लगता है एक महिला के तौर पर यौन हिंसा एक बहुत बड़ा टॉर्चर होता है एक महिला के लिए, उस असहनीय अत्याचार के जरिए गुजरना। आपने जब इन महिलाओं से बात की, क्या दर्द थे उनके, कैसे उन्होंने अपने इन दर्द को किन शब्दों में आपसे बयान किया, कैसे आपने उन तक मदद का हाथ पहुंचाया? जब मैं पहली बार ऐसी एक महिला से मिली थी, तो उसने मुझे बताया कि उसके साथ किस दूसरी ट्राइब वालों ने उसका यौन शोषण किया था। तो वो महिला को पता नहीं था कि ये एक तरीके का अपराध भी है। जी, उसे पता ही नहीं था कि ये एक तरीके का अपराध भी है, और वो इसे कहीं पर जाकर किसी को बता भी सकती है। तो उसके पास, उसको मैंने कहा कि नहीं, ये एक तरीके का अपराध है और आप इसे पुलिस को रिपोर्ट कर सकती हैं अपने यहाँ पर। तो वो महिला का दर्द मतलब मैं बयान नहीं कर सकती, वो रोने लगी, कहती कि जब मैं पुलिस के पास गई तो उन्होंने भी मेरा यौन शोषण किया, तो अब बताइए मैं किसके पास जाऊं। और तो इससे मेरे मन में ख्याल आया कि इनके लिए कुछ करना चाहिए, इन्हें बताना चाहिए कि अगर आपका स्थानीय प्रशासन भी फेल हो रहा है, पुलिस भी फेल हो गई है, वो भी जागरूक नहीं है, वो भी सेंसिटाइज नहीं है, तो फिर आप किसके पास जा सकती हैं, फिर कौन से कानून हैं जहां पर जिनसे आप मदद की गुहार लगा सकती हैं। तो यानी इस तरह के अनुभव आपके सामने आए, और मैं समझ सकती हूँ कि जैसे पहले आपकी पोस्टिंग असम में हुई, उसके बाद आप रजौरी में थी, उसके बाद आपको दक्षिण सुडान जाना पड़ गया जहाँ पर आपको ये तमाम अनुभव हुए, इन अनुभवों ने आप पर एक व्यक्ति के तौर पर आपको कितना प्रभावित किया, कितना बदला, किस तरीके का प्रभाव आपके ऊपर डाला, आपके मन पर डाला, किसकी छाप आपके मन पर? बहुत बहुत बदला है एज अ पर्सन। मतलब मैं कहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा ग्रो हुई हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है मेरे अंदर जो चेंज आया है वो आया है एम्पथी, दूसरे को सुनने का और दूसरे को धैर्य पूर्वक सुनने का, जो मेरे अंदर एक चेंज आया है वहाँ की महिलाओं से मिलकर, वहाँ की बच्चों से बात करके, कि दूसरों के कष्टों को अपना कष्ट समझना और फिर सोचना कि उन्हें कैसे हम दूर कर सकते हैं। पहल और धैर्य, पेशेंस, बहुत ज्यादा पेशेंस मेरे अंदर डेवलप हो गया वहां से आने के बाद, क्योंकि पहले पहले मैं उनसे बात करती थी तो उनकी भाषा अलग होती थी और मेरी भाषा अलग, तो वो मुझे इशारों में ही समझा पाती थी कि क्या है, क्या बात करना चाह रही है वो मुझसे। धीरे धीरे फिर इंटरप्रेटर के थ्रू वो मुझे बताते थे, तो ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है कि वो मुझे इतनी लंबी बात समझा रही है और मुझे वो पूरी सुननी है,
इतना मेरे अंदर धैर्य होना चाहिए, इतना पेशेंस मेरे अंदर होना चाहिए। तो ये दो चीजें मैंने डेवलप की हैं और मुझे लगता है कि ये बहुत बहुत ही जरूरी बदलाव है मेरे व्यक्तित्व में वहां से आने के बाद। मिची कमानी, आपकी इन कोशिशों को, क्योंकि बहुत विस्तृत शब्दों में आपकी कोशिशों को बयान किया गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, आपकी इन कोशिशों के बाद मिलिट्री ऑब्जर्वर्स, क्योंकि ज्यादा नहीं होती है मिलिट्री ऑब्जर्वर के तौर पर तैनात, ऐसे में आपकी इन कोशिशों के चलते कहां तक इन शांति मिशन में जेंडर इक्वालिटी या जेंडर पैरिटी को कम करने की, लैंगिक संतुलन की जो बात की जाती है, उसको कहां तक बढ़ावा मिला आपकी इन कोशिशों के चलते? मैं क्योंकि मिशन हेडक्वार्टर्स में थी, एज अ ट्रेनिंग ऑफिसर भी थी और फिर कभी कभी एज अ पर्सनल ऑफिसर भी मैंने काम किया है वहाँ पर। तो पर्सनल ऑफिसर जो होते हैं वो देखते हैं कि एक टीम साइट में महिला मिलिट्री ऑब्जर्वर्स और पुरुष मिलिट्री ऑब्जर्वर्स का जो रेशियो है वो ठीक है, क्योंकि जनरली जब महिलाएं बाहर जाती हैं तो वो ज़्यादा महिलाएं बाहर जाती हैं और वहाँ की महिलाओं से बात करती हैं तो वो ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेकर आ पाती हैं और वो ज़्यादा प्रभाव डाल पाती हैं वहाँ की लोकल महिलाओं। तो हमने अपनी तरफ से हम मिलिट्री ऑब्जर्वर्स के, जब मैं मिशन में गई थी तो लगभग 24 मिलिट्री ऑब्जर्वर्स थी हम, लेकिन जब मेरा मिशन पूरा होने लगा दिसंबर 2019 में, उस वक्त हम टोटल 38 मिलिट्री ऑब्जर्वर्स थी। तो मैं कहूँगी कि ये बहुत ही अच्छा एक बदलाव था, बहुत ही पॉजिटिव बदलाव आया। हर टीम साइट में लगभग दो दो मिलिट्री ऑब्जर्वर होने लगी, हम 11 टीम साइट्स थी, कहीं कहीं पर तो 4 मिलिट्री ऑब्जर्वर्स भी महिलाएं थी, जिन क्षेत्रों का एरिया ज़्यादा होता था या जिन्हें ज़्यादा ऐसी जगहों पर नॉर्थ साइड में वहां पर जाना पड़ता था, तो उस टीम साइट्स में 4 मिलिट्री ऑब्जर्वर्स भी थी। तो बहुत अच्छा बदलाव आया और मैं कहूंगी कि काफी हद तक हम बहुत दूर हैं जेंडर पैरिटी से, जेंडर इक्वालिटी से हम काफी दूर हैं अभी, लेकिन मुझे लगता है कि ये गैप धीरे धीरे कम हो रहा है और बहुत जल्दी भर जाएगा। बिल्कुल ठीक, बहुत ये उम्मीद बहुत जरूरी है बनाए रखना। आपसे मैं छोटे छोटे कुछ सवाल पूछूंगी मेजर गवाने, उसके जवाब आपसे लेना चाहेंगे। मेजर गवाने के लिए चैलेंज यानी चुनौती, मतलब चुनौती मतलब अपने आप को साबित करने के लिए एक नया मौका, नया अवसर। खुशी यानी? खुशी यानी किसी और को खुशी देना, किसी और के लिए कुछ काम करना। आपके लिए नारी मतलब? नारी मतलब शक्ति। अनुभव से क्या सीखा आपने? मैंने अपने अनुभवों से सीखा कि हमें जो काम करना है उस पर डटे रहना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें आए, कितनी भी चुनौतियां आए या आप अकेले हो, उसे छोड़ना नहीं। जिंदगी में सबसे जरूरी क्या है आपके लिए? जिंदगी में सबसे जरूरी है एक सेल्फ डिसिप्लिन पहला, और दूसरा छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढना, वो जिंदगी के लिए बहुत जरूरी। छोटी सी बात में बहुत कुछ कह दिया आपने। आज से 30-40 साल बाद आप अपने आप को कैसे विजुअलाइज करते हैं? 40 साल बाद मैं एक स्कूल खोलना चाहती हूँ अपने अपने उत्तराखंड में। अभी देखूंगी कहाँ पर मुझे खोलना है, लेकिन हाँ मैं चाहती हूँ कि मैं छोटे छोटे बच्चों के बीच जो मैंने पढ़ाई करी है बीएड की, उसका कुछ उपयोग करूँ और मैं एक स्कूल खोलना चाहती हूँ। तो मैं अपनी जो भी मेरी बचत होगी, जो भी जमा पूंजी होगी रिटायरमेंट होने के बाद, वो मैं एक स्कूल में लगाना चाहूँगी। तो मैं एज अ एक टीचर देखना चाहती हूँ अपने आप को जब मैं रिटायर हूँ। तो चलिए विजय कवानी, उम्मीद करते हैं कि ये जो सपना आप 30-40 साल बाद का देख रही हैं, ये तो जरूर ही पूरा हो, साथ ही साथ आप जो भी लक्ष्य जिंदगी में लेकर चल रही हैं वो लक्ष्य भी आप जरूर हासिल कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया विजय कवानी हमारे साथ बात करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं यहाँ पर इस मंच पे आऊं और अपनी बातें रख सकूं। आज तेजस्विनी कार्यक्रम में बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर होंगे हाजिर एक और तेजस्विनी के साथ। नमस्कार।